हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवमेंट इन ऑल। और ये देखिए, ये मायके का है। मैंने आपको बताया था जिस तरह कि मैं आ गई हूँ, और इतना दिन बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब, जगह चेंज होने के बाद बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, और आप भी नए जगह पर आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगता है। तो यहाँ पर ये मैं होली के सुबह का दिखा रही हूँ, होली के एक दिन पहले का मैं आपको ये दिखा रही हूँ। दहीवारा में मैं ही तल रही हूँ दहीवारा, और ये गर्म पानी में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसमें डाल रही हूँ। मैं नीचे बैठ कर कर रही हूँ, ऊपर अभी पूरा घर कंप्लीट नहीं बन तो गया है, पेंट वगैरह नहीं हुआ है, इसको मैंने नीचे रख लिया है। और बार बार डर भी लग रहा था कि बाबू कहीं आ ना जाए। और ये देखिए, आ भी रहा है, और शाम का भी समय है। मम्मी उधर आंगन में कुछ कर रही है, गोसाई माँ को चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। पीछे में मिटकेस रखा हुआ है। ये हॉल है, यानी कि पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, घर पेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो दहीवारा वगैरह तो शाम में ही बनाकर पानी में डाल दिया जाता है, तो शाम में बनाकर पानी में डाल दूँगी। उसके बाद होली के दिन मालपुआ और एक गुड़ वाला पुआ बनता है, बहुत कुछ बनता है। लेकिन बात यह है कि अकेली मम्मी है, भाभी वगैरह है नहीं, तो कुछ हेल्प करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मार्केट हम लोग गए थे। ये देखिए, ये खाना तैयार हो गया है। ये है आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि संडे था तो उस दिन मम्मी को नहीं खाना था, तो मैंने उस दिन कटहल नहीं बनाया था। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी, और ये पुआ है, दहीवारा है, और वो मिक्सी आपने देखा जो मैंने आप लोगों को पटना में दिखाया था कि मैं मम्मी को दूंगी, तो यहाँ पर मिक्सी रखा हुआ है। और अभी किचन की खिड़की से धूप आ रही है, तो खाना यहाँ पर रेडी है। और ये अगले दिन सुबह की है, यानी कि होली के सुबह की है। वो तो मैंने पीछे आपको होली का दिखाया, दो तीन दिन का मिला हुआ क्लिप है। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। बाद फिर हम लोगों ने सोचा था जाएंगे मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो है कम रेट में मिल जाता है, कम कॉस्ट में, और उतना भी कम नहीं लगता है, लेकिन चीज़ें अच्छी मिल जाती है। तो मैं एकदम बिल्कुल ये सोच कर ही आती हूँ कि यहाँ पर मुझे साड़ी कपड़ा वगैरह ख़रीदना है। तो सूट ख़रीदने का तो मैंने नहीं सोचा था, साड़ी का सोची हूँ कि एक दो साड़ी लूँगी, तो अभी मैं वो भी शेयर करूँगी कौन सा साड़ी लिया है, कितने में लिया है। और काफ़ी अच्छा ये साड़ी था, क्योंकि मैं लेने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए, चाय रेडी हो गया है, मैं शीशे के गिलास में चाय पीने वाली हूँ, मम्मी को मैंने कप में दिया। और ये देखिए आंगन में किस तरह से सुबह सुबह फूल खिले हुए हैं, उसको हम लोग मुर्गा फूल कहते हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे। और पूरा लंबा चौड़ा घर द्वार है, लेकिन वही है कि अभी कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ है। ये अड़हुल का फूल है, और नीचे में देख रहे हैं गेंदा भी लगा हुआ है, खेसारी होता है, चना होता है, धनिया का पत्ती है, ये सब चीज़, मतलब ये सब चीज़ शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मूढ़ी खा रहे हैं तो बस मूढ़ी ले लीजिए, और उसमें थोड़ा खेसारी का पत्ता, धनिया का पत्ता, मिर्च का भी पौधा है, आप देख रहे हैं। और ये देखिए लाल गुलाब, तीन चार कली है, और गुलाब इतना अच्छा खिला हुआ है, बस अब उसको सिर्फ साफ़ कराने का ज़रूरत है। और उधर बड़ी माँ पानी भर रही है, और ये मेन गेट है बाहर निकलने का, ये दूसरा अड़हुल है। ये सब देख के बहुत मन लगता है। और ये मेरी मम्मी अभी आ रही है, ये मेरी मम्मी है, मैंने चाय बनाकर सबको दे दिया है, बिल्कुल सुबह का टाइम है, बाबू अभी सोया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ साड़ी की दुकान में, और ये साड़ी बस विदाउट एनी ओकेजन कुछ है नहीं, लेकिन बस मेरे मन में रहता है कि यहाँ आऊँ तो लेके जाऊँ। मैं तो बहुत दिन दिन पर आती हूँ, अभी एक महीना पहले आई थी, तो मैंने आप लोगों को उसका क्लिप भी मैंने शेयर नहीं किया था। तो अभी आई हूँ, यहाँ दुकान है मार्केट में, और बड़ा सा और बहुत ही ये नामी दुकान है, यानी कि इसके यहाँ का कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं साड़ी देखने आई हूँ, मैंने काफ़ी साड़ी देखा है। अभी तो मैं ऊपर आई हूँ, कोटा वगैरह नीचे मिलता है, तो ये मैं ब्लू इन्होंने दिखाया, तो मैंने ब्लू पसंद नहीं किया क्योंकि मेरे पास ब्लू था। तो देखिएगा अभी मैंने कौन कौन सी साड़ी पसंद की है, आप लोग भी कमेंट कर बताइएगा कैसा है वो। और आप लोगों में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और यही छोटी छोटी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। ये देखिए, ये भी नई जगह आया है, ये भी पूरा बदमाशी कर रहा है। और यहाँ पे क्या संजोग हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब इंटर में हम लोग पढ़ते थे, उस समय की दोस्ती थी, उसके बाद बहुत पता लगाना चाहती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने एक साड़ी पसंद की, ये देखिए शिफॉन का साड़ी है, इसका कॉस्ट लगभग 800 बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। तो एक साड़ी मैंने पसंद किया, तो एक लेडी थी उनको भी वो साड़ी पसंद आ गई, तो जब मैं वो बोली क्या कि आप लीजिएगा, अगर आप नहीं लीजिएगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैंने पसंद किया था तो मुझे वो साड़ी लेना था। ये देखिए, इसका जो है ये नेट पर ये
वर्क है, ऐसे तो वीडियो में देखने में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन सॉफ्ट था साड़ी, अच्छा था, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं आया। कई लुक उन्होंने दिखाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो वो जो उधर मेरे साइड, चूँकि उनको हैवी लेना था, मुझे हैवी नहीं लेना था, मुझे थोड़ा खड़ी साड़ी चाहिए था, तो उधर हैवी वो दिखा रहे हैं, तो उधर ही एक लेडी बैठी थी, तो जब मैंने उनको देखा ना तो मुझे लगा क्या मेरी फ्रेंड की बहन जैसी लग रही है, चेहरा थोड़ा मिल रहा था, कज़न थी अपनी नहीं थी। फिर मैंने पूछा आप मोहनगंज से आई हैं, मतलब जहाँ कि मेरी फ्रेंड थी, वो बोली हाँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिया तो वो बोली हाँ मैं मेरी बहन वो लगेगी। फिर मैंने इनका नाम लिया, अब सोचिए जब इंटर किया था तब की बात है, फिर इन्होंने उसको फ़ोन लगाया, फिर उससे बात की कि तुम्हारी शादी हो गई, कब हुई, कितने बच्चे हैं, क्या करती हो, तो वो अभी कैनरा बैंक में जॉब कर रही है। मेरे से भी वो पूछी कि तुम्हारा क्या है, मैंने कहा मैंने तो बहुत कुछ निकाला, बहुत कुछ, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और फिर वहाँ पर मैंने साड़ी खरीदी, ये तो अभी दिखा ही रहे हैं, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इस तरह के लुक के मेरे पास कई साड़ियाँ हैं, और चूँकि इसमें आपको वीडियो में देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पास से देखिएगा तो थोड़ा फ़र्क दिखाता है, इसीलिए मैंने इन सब साड़ियों को पसंद नहीं किया। जिन साड़ियों को मैंने पसंद किया वो भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये जो प्रिंट आप ऑरेंज वाला इस साड़ी में देख रहे हैं, इस तरह की साड़ियाँ मेरे पास है, मैं जब पटना जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इन सब साड़ी को लिया मैंने, वीडियो कॉल से इनको भी दिखाया था, तो ये भी बोल रहे थे तुम अपने हिसाब से ले लो, चूँकि वीडियो कॉल में उतना साफ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह खरीद लिया है, साड़ी है, लहठी है, ये सब ले लिया है। यहाँ पर मैंने बाबू को खड़ा किया है, और ये क्या है, मम्मी गई हुई है कुछ उधर लेने के लिए, अभी मैं आपको मार्केट का सड़क दिखाऊंगी। और ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कैद किया, लेकिन कभी मैं अकेली वहाँ रहूँगी तो मैं भी देखूँगी, तो मुझे भी अपने मायके की याद आती रहेगी, और मैं देखती रहूँगी अच्छा इस तरह का मार्केट था, क्योंकि यहाँ सब आना जाना बिल्कुल कम होता है, संभव नहीं होता है कि बार बार यहाँ पर कोई आ सके, और आती हूँ तो फिर इस तरह से आना, मैं क्या बताऊँ, मेरी शादी के इतने साल हो गए हैं, जब भी आती थी इन्हीं के साथ आती थी, और इन्हीं के साथ मार्केट आ गई, बाइक से आई या कार वार से आई, आकर कुछ सामान लिया चली गई, इस तरह से पैदल मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे आना है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ पर बाबू को एक छोटा सा बोतल चाहिए था, तो इसीलिए मैंने वो कोका कोला ख़रीदा था। और यहाँ देखिए मैं अब घर आ गई हूँ, और ये साड़ियाँ मैंने ख़रीदी है, ये है आपका कोटा का येलो कलर में, आप बताइएगा कि कैसा है। और ये जो रेड ब्लाउज देख रहे हैं, ये दूसरी साड़ी जो मैंने खरीदी थी, इस ब्लाउज को देखकर ही मैंने खरीदा था। ये ब्लाउज इसका इतना खूबसूरत है, ये देखेंगे फ्रंट है, मतलब बोट नेक बनेगा गले में सटा हुआ, और ये कमर पर आएगा, और बैक में भी नेक बना हुआ है, तो ये बैक है। ब्लाउज मतलब जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है, ब्लाउज की खूबसूरती को देखकर ही मैंने इस साड़ी को लिया। इसकी साड़ी को भी आपको दिखाऊंगी मैं, तो आप उसको पसंद करेंगे, और आपको नीचे दिख भी रहा है, ये ब्लू कलर की साड़ी डार्क में है, अभी थोड़ा आपको लाइट दिख रहा है। और ये ब्लाउज है येलो कलर वाले का, पहले ये जो रेड ब्लाउज आपने देखा उसकी ये साड़ी है, बिल्कुल प्लेन, लेकिन इसका जो ये बॉर्डर है इतना सुंदर है, और इतना ये जो जिस तरह से पिक आप साड़ी ये देख रहे हैं पिक में, हूबहू यही चीज़ है। और इसका बॉर्डर मतलब कि जिसको आप कहते हैं काम चलाऊ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, मजबूती में है। तो ये लिया मैंने, ये 1000 से ऊपर की दोनों साड़ियां हैं, और ये देखेंगे 1000 से ऊपर की है, लेकिन डेढ़, ये साड़ी तो 1600 की है येलो वाली, लेकिन ये 1500 के अंदर की है ब्लू वाली, और ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी इसका बॉर्डर, फिर आपको लगेगा कि ये सच में, और पहनने के बाद भी ये खूबसूरत लुक देगा। अभी तो इस तरह की ही साड़ियाँ चल रही है, और ये देखिए इसका रियल कलर ये है। इसको मैंने इसीलिए पसंद किया कि एक कोटा का साड़ी मेरे पास था, मैंने मम्मी को दे दिया, दूसरा जो मैंने बाबू के बर्थडे में पूजा के समय पहना है वो मैंने माँ को दे दिया, यानी कि अपनी सासू माँ को, तो मेरे पास कोटा का साड़ी मुझे बहुत पसंद होता है। इसका जो ये वर्क था, हैंड वर्क, पैचेज ही लगा है लेकिन हैंड वर्क था, और बॉर्डर भी जो है, बॉर्डर का कपड़ा वो भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने इसको लिया। और इसमें मैंने फॉल भी रख दिया है, तो आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं कई दिनों का जमा किया हुआ क्लिप आपको शेयर कर रही हूँ, तो इसमें मैंने फॉल लगा दिया है। बैठे बैठे मैं करती क्या, फॉल अस्तर सब कुछ मैंने धुल दिया था, और एक साथ सब कुछ मैंने ले लिया था, इसके ब्लाउज का अस्तर, इसका क्रीम जिस तरह बॉर्डर है इसी तरह के इसके ब्लाउज का पीस है, और रेड वाला का तो अभी मैंने ब्लू वाले साड़ी में फॉल भी नहीं लगाया है, और ब्लाउज का अस्तर धुल दिया है, फॉल धुल दिया है, सब कुछ मैंने धो दिया है। अभी आपको दिखाती हूँ, तो धीरे धीरे मैं आयरन वगैरह करके और बैठे बैठे लगाती हूँ। यहाँ पर
वायर मशीन है, तो मैंने सोचा है मैं सिलाई भी कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रुकना है, तो ऐसा सोचा है मैंने। लॉकडाउन वगैरह की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई, बाबू का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, तो अभी वहाँ जाने का मतलब नहीं है। और ये देखिए, ये इस ब्लाउज की साड़ी है, तो जैसा बॉर्डर है उसी तरह का ब्लाउज का कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो और यहाँ पर मैंने फॉल धुल के रखा था येलो वाला, तो मैंने आयरन करके लगा भी दिया। और ये इस ब्लाउज का के पीस का अस्तर है, और ये रेड वाला जो है उस ब्लाउज के पीस का अस्तर है। तो इस तरह से मैंने जो कुछ भी लिया आपके साथ शेयर किया। मार्केट वगैरह का मैं उतना नहीं ले पाई अभी, चूँकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस वीडियो से एंजॉय किए होंगे, और बताइएगा कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी आप लोगों को। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। साड़ी की कलर रियल में यही है जिस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि रोशनी आती जाती है, खिड़की सामने में खुला है, तो और कभी लाइट आती है कभी कट जाती है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।